एक बारी गज के फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिन्हें वीर बह सकते प्लीज एक बारी बह जाइए, अग्गों भी बह जाइए। जरा गल्लां सुनने वालियां ने, फोटो खिंचते रहांगे इत्थे ही आ। बह जाओ भाजी थले, इधर ही बह जाओ, भावे जिथे जिथे मैं जगह मिलती बह जाओ। किसान मोर्चे दे विच तुसीं दीप सिद्धू भाजी नूं सुनना शुरू कीता सी। एक गल जो दीप सिद्धू भाई की पहचान बन गई सी कि साडी होण दा मसला है। ध्यान नाल सुनियो ये गल्लां, तुहानूं किसे ने नहीं दसनियां, और बोलण ते शायद मेरी जान भी चली जावे। ये गल सब तो पहला किसान मोर्चे ते नहीं बोली गई थी। सनी देओल जदों गुरदासपुर च इलैक्शन लड़िया तो उस इलैक्शन की बागडोर सारी दीप सिद्धू भाई के हाथ में थी। गल नूं छोटी रखदा, सनी देओल इलैक्शन जितया, एमपी बनया, उसनू राजनीति बारे कुछ नहीं थी पता, उसनू गुरदासपुर के बारे कुछ नहीं थी पता। जब एमपी बनया तो सरकार के नुमाइंदियां नाल बैठा, सरकार सिर्फ सरकार नहीं चलाउंदी, सरकार के पिछे एक सरकार हुंदी है जिसनू डीप स्टेट बोलिया जाता। सिंपल शब्दों के विच सरकार के पिछे एक सोच हुंदी है। हिंदुस्तान ने उस सोच क्लीयरली 2014 तो देखनी शुरू की, लेकिन वह यह नहीं कि पहला नहीं सी, 47 तो सी उही सोच, इंदिरा के पिछे भी सी उस सोच के लोग भी बैठे। सनी देओल जदों उन्होंने दसिया, मोटा मोटा काम दसिया, नदियां के उत्ते पुल बनने ने, सड़कां बननियां, लाइटां लगनियां, आ स्कूल दियां मरम्मत होनियां, जिहड़े बेसिक काम हुंदे दसे गए, क्योंकि सनी देओल एक्टर है, उन्हूं बॉम्बे का रहा होया, उन्हूं गुरदासपुर का कुछ नहीं सी पता। और गल्लां गल्लां तों बाद चों गल आ गई जो डीप स्टेट चाहुंदा है हिंदुस्तान के अंदर करना, कि एक बोली, एक धर्म, एक टैक्स, एक फलान, एक टींग, जो हिंदुस्तान की विलक्षणता उसनू खत्म करके एक कर देना। तो पूछा गया कि भाई पंजाब के अंदर फिर सिख दो शब्द तुसी सनी देओल भाई दे कोलों, दीप सिद्धू भाई दे कोलों होर सुने सीगे बार बार उन्होंने स्पीचां दे विच, वो शब्द सीगे एलिमिनेट करना और असमिलेट करना। एलिमिनेट करना हुंदा खत्म कर देना, असमिलेट हुंदा कि हौली हौली अपने अंदर ही मिक्स कर लेना। जो तो पूछा गया कि सिखां दा की करांगे, तो कहिंदे इन्हां नूं एलिमिनेट नहीं करना, इन्हां नूं गोली मार के खत्म नहीं करना, इन्हां नूं हौली हौली असमिलेट करना, अपने अंदर ही मिक्स कर लेना। दीप सिद्धू भाजी कहिंदे मैं सनी देओल वाल वेखां की है की बोलदा हुण। सनी देओल चुप रहा, उस मीटिंग च कुछ नहीं बोलिया। गड्डी च बह के जो सनी देओल दे नाल गल हुई तो दीप भाई इन्हां नूं पुछया कि भाई तुसीं बोले ही नहीं कुछ। तो सनी देओल गड्डी सनी देओल चलांदा सीगा, वो अगे देखदा रहा, उहदे वल उहने मुड़ के भी नहीं वेख्या, और कहिंदा कि यार भाई असीं की कर सकते हैं। सनी देओल ने सच बोलिया कि यार असीं की कर सकते हैं, सनी देओल कुछ नहीं कर सकता सीगा। जो गल जिथों मैं शुरू की थी, वो किसान मोर्चे च सब तो पहला नहीं बोली सी भाई ने, वो सब तो पहला दीप भाई ने वो गल सनी देओल नूं बोली सी कि भाई ये तो साडी होण दा मसला है, ये तो साडी हस्ती मिटाना चाहते हैं। सनी देओल का कोई जवाब नहीं सी, लेकिन उस दिन तो वो जो पंजाब तो दूर बॉम्बे अंदर रहा, पूना रहा, इंग्लैंड पढ़िया, फिर बॉम्बे दियां वड्डियां वड्डियां कंपनियां उसके क्लाइंट सीगे,
पर दिल च तां प्यार सीगा ना बॉम्बे वास्ते पंजाब वास्ते और सिक्खी वास्ते। अहीं भावें पिता दे नलायक पोती होईए सरूप च नहीं हैगे पिता दे नलायक पोती होई है लेकिन पिता वल कोई उंगल करेगा तो फिर जाना तो अहीं देन नूं भी तैयार हो जाएंगे ना। वो इस दर्द दे नाल जीण लग्या अहीं उन्हूं गद्दार और पता नहीं की कुछ कहंदे रहे लेकिन उस दे अंदर इन्ना दर्द सी कि यार मेरी कौम नूं मिटाना चाहुंदा लेकिन वो करदा की किहनूं बोलदा वो कितने बोल ही नहीं पाया। फिर जब उसने बेअदबियां दे मसले देखे बेअदबियां क्यों होंदियां की मिलदा बेअदबियां करके उन्हां नूं ये पता है कि ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपना सब कुछ मानते ने और जब तक उत्थों नहीं टुटणगे तां तक इन्हां नूं असिमिलेट नहीं किया जा सकता। गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपना जीवंदा जागदा गुरु मानते ने उसकी अहमियत घटाने के लिए बेअदबियां कीतियां जांदियां। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए एक गल तुहानू बोलदा कि तुसी जदों पहली बारी सुनिया सीगा बेअदबी दे बारे जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग तुसी सुनिया सी कि सड़कां ते सुट्टे गए तुहाडा दिल चीरिया गया होना उस दिन। अज तुसी न्यूज अगर फेसबुक ते देखते हो तो तुसी अग्गे कर दिंदे हो तुसी कहिंदे यार इह तां हुंदा वो आही अचीव करना चाहते थे वो इसनों आम कर देना चाहते थे। फिर बेअदबियां तो उस तो बाद जब 328 सरूप चोरी हुए तो याद कर लो लॉकडाउन के अंदर दीपा जी उदो सब तो पहला लाइव आके बोलना शुरू हुए। उतों बोलते बोलते किसान मोर्चा शुरू होया किसान मोर्चा जाके उन्हें सब तो पहला वो गल बोली थी कि साड़ी होन दा मसला है ये फसलां दा नहीं नस्लां दा मसला है। वो ढके शब्दां च बोल रहा सी जिन्ना बोल सकता सी बोल के गया हटा दिता गया मार दिता गया कसूर यही सीगा कि कौम नूं जगा रहा सी। मैं सिर्फ यही दसन लिए आया अज सिद्धू मूसेवाला पिछे जे हटा दिता गया की कसूर सी सिद्धू मूसेवाले दा उसका सुनियो गाना जाके कह कह के बदले लैंदा इहनूं पंजाब कहिंदे ने उसका सुनियो गाना 295 होर भी कई गाने संतां दा टैटू बना रखा सी उन्हें बांह दे उत्ते अपने आखिरी दिनां दे विच वीडियोज दे अंदर वो क्लीयर कर गया कि वो सिमरनजीत सिंह मान साहब नूं जिताउणा चाहुंदा सीगा। अज उन्हें इत्थे खड़ा होना सी अज उन्हें मान साहब दे लई वोट मंगनी सी तुहाडे कोलों लेकिन वो अपने आखिरी इंटरव्यू दे विच अपने विचार दे गया बस उहदा इह कसूर सी। दीप सिद्धू भाई तां बहुत रड़कदे सीगे लेकिन जदों मान साहब दे नजदीक आ के तीन दिन मान साहब दे नाल अपने विचार दे गया उदण उन्हूं हटा दिता गया। मैं हर जगह बोलदा दीप सिद्धू नूं तुसी लोकां ने मारिया सिद्धू मूसेवाले नूं तुसी लोकां ने मारिया अज उसदे मां बाप दा जदों रोंदे होए दा बेबस मां बाप दा जदों मैं वीडियो देखदा ना रोना आंदा साडे कोल पंजाब दे कोल एक लीडर नहीं हैगा यार जिहड़ा उहनां दे पिछे खड़ा हो सकदा ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਜਿਤਾ ਸਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਕੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਟਿਆ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਯਾਰ
ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ। ਕਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਾਂਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੋਹ ਕੇ ਉਸਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲੋ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਹਟਿਆ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਜ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਏ ਸਿਰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।